तो मेरे साथ है वीरेन, और वीरेन शिराडो नहीं आया, मैं आया हूँ भीड़ क्योंकि मुझे था कुछ काम। तो हमारी गाड़ी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, आज लाने वाले हैं घर, तो देखेंगे उसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि पूरा इंजन काम करवाया है और खर्चा भी लगभग बहुत लगा है। खर्चा अभी बता नहीं सकते, लेकिन बहुत खर्चा लगा है। और गाड़ी पूरी तरह से एकदम शोरूम जैसी टकाटक हो चुकी है, एकदम नई नवेली जैसी। तो अभी शाम को जाने वाले कार लेने के लिए गैरेज के ऊपर, ठीक है, वॉशिंग मशीन करके लाने वाले। और हमारे पास है आप लोगों के लिए एक सरप्राइज, हमने लिया है डेल का लैपटॉप। तो इसकी अनबॉक्सिंग पहले ही कर दी है हमने, तो ये देख सकते हो कितना बढ़िया चमचमाता है, और स्लिम देख सकते हो कितना है, बहुत स्लिम है। तो इसकी सारी फैसिलिटी जो है वो हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। एग्जैक्ट एप्पल के जैसा पीस है, एकदम लाइट वेट है, एकदम लाइट वेट, उसका वजन तो कुछ भी नहीं है, इस्तेमाल करने में भी बहुत बढ़िया है। ओपन होने में थोड़ा मतलब ये तो होता ही है, मतलब लगभग किसी लैपटॉप का, एप्पल का जो है थोड़ा लूज होता है, लेकिन ये बाकी लैपटॉप का जो है थोड़ा क्लिपी होता है उठाने में, ठीक है। तो ये अपने इसमें कंपनी की खासियत होती है, कुछ सोच समझ कर ही बनाते होंगे बनाने वाले। क्यूरियस अबाउट चैट जीपीटी एंड बिंग, मीट योर न्यू एआई पावर्ड कोपायलट एंड डिस्कवर न्यू वे टू सर्च। तो 14-15 इंच स्क्रीन है मेरे ख्याल से, बड़ी स्क्रीन है एकदम, और इसका जो कर्सर पॉइंट है ना वो बहुत ही बड़ा भी है, देख सकते हो, इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस किस लैपटॉप का बहुत छोटा होता है। 15.6 फुल एच डी वेब कैन इज दी नैरो बॉर्डर्स इज दी कार्ड रीडर्स, ठीक है, बाकी कल बताएंगे सर। गाइस मेरे मामा की सिस्टर और मेरी माँ ये कर रही है मामा के लिए खिचड़ी बना रही है ना, तो कैसे बना रही है देख लो, ये देखो फूल रही है, अभी चावल डाल दिया, ये देखो कौन से चावल है, काली मिर्च। तो गाइस हम काली मिर्च चावल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। तो आप भी दुकान जाइए और खरीदिए काली मिर्च चावल। हम अभी आए हैं गैरेज कार देखने के लिए, गैरेज के ऊपर तो नाम भी नहीं है, नाम इधर छिपा है गैरेज का पेड़ों के बीच में, न्यू लक्ष्मी मोटर्स। कलर ला किती वेळ लागते, हमारी गाड़ी आई हुई है। तो गाइस हमारी गाड़ी आई हुई है दूसरे गैरेज के ऊपर, क्योंकि इसका जो है ये डेंट निकाला है, देख सकते हो बहुत बड़ा डेंट था आगे से पीछे तक कुछ इस तरह से। तो इसको अभी स्प्रे पेंटिंग मतलब कलरिंग के लिए लाया है दूसरे गैरेज के ऊपर। तो बाकी का पूरा काम हो चुका है, एकदम टकाटक हो चुकी है गाड़ी, और धूल मिट्टी देख सकते हो कितनी बैठी है गाड़ी के अंदर। अब ये पेंटिंग करवाने के बाद बस आखिरी काम रह जाएगा इसका धोने का, इसको क्लीनिंग करवा के ले जाएंगे घर, पता नहीं आज ले जा पाएंगे या कल। हाँ तो वीरेन बोल रहा है आज ही ले जाएंगे, लेकिन कलर होना जरूरी है। तो ये है हमारी नई नवेली दुल्हन, मतलब अभी बनी नहीं है। डायमंड स्प्रे पेंटिंग गैरेज, तो यहाँ पर सिर्फ पेंट किया जाता है गाड़ियों को, डेंट कहीं और से निकाल के लाना पड़ता है। तो हमारी गाड़ी का भी डेंट हमने दूसरी ओर से निकाल के लाया है, और अभी यहाँ पर पेंट करेंगे। ये प्राइमर की तरह है, मतलब एक तरह का ऊपर से कोटिंग लगता है, तो
तो ये अभी कार को लगाने वाले हैं, जिससे कि जो छोटे मोटे गड्ढे हैं ना वो भर जाएंगे, और वो गड्ढे भरने के बाद उसके ऊपर से जो है उसको कंपनी का पेंट किया जाएगा, मतलब ओरिजिनल कलर। बेटा कुछ बोलो दो शब्द। कभी तो दूसरा टी शर्ट डाल दिया कर, वो मोशन का टी शर्ट कितनी देर डालेगा, हर रोज मोशन वाले तुझे एडवर्टाइज करने के लिए पैसे देते हैं क्या दिन रात?